जो शोभित जी बोल रहे हैं, ये नो बिकमिंग फ्रॉम पीआर कंपनी एंड ऑल दैट, उनकी हथड़ी हथड़ी चलाने के लिए ये सब बोलना पड़ता है, कोई भी चीज का पुष्प इंजन कर देते हैं। जो मेरा जजमेंट है कि गांधी जी वॉज नॉट अ पीआर मैन, नॉट अ मीडिया मैन, नॉट एट ऑल, ही वॉज अ नेचुरल मैन। उनकी और जैसे अभी केजरीवाल की एक ओरिजिनलिटी है, आदमी को पता चलता है कि ये जैसे कि हमारे दूसरे जो नेता रियो ट्रिक्स करते हैं, नाटक करते हैं बोलने में, हम लोग ताली मार देते, कोई डाउट नहीं क्योंकि इट इज फॉर एंजॉयमेंट, पर हमें दिल के अंदर पता है कि नाटक कर रहा है। तो केजरीवाल के केस में, केजरीवाल के केस में या गांधी जी के केस में कभी भी हमने ये फील नहीं किया कि ये नाटक कर रहे हैं। सो आई वुड नॉट कॉल हिम अ पीआर मैन या ही वाज द बेस्ट थिंग फलाना, बट ही वाज अ वेरी नेचुरल मैन एंड ही कुड कनेक्ट टू द पीपल बिकॉज ही वाज लिविंग विद द पीपल, वो लोगों के साथ है, उनकी रहनी करनी, इनकी जो केजरीवाल की जो कमिंग बैक टू अगेन, मुझे कोई आम आदमी और उसका कोई अभी वो बहस नहीं करनी है, बट अगर ही सेइंग कि अगर वो लाल कर बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे ये वो, तो जी सर्टेन थिंग्स आर बेयर नेसेसिटीज। अभी मैं अगर केजरीवाल का जो घर की बात करूं तो ऑब्वियसली वो जिस घर में रह रहे हैं आजू बाजू वाले, इसलिए बट अभी मुझे वो टॉपिक नहीं लेनी है। तो फिर आप इसको क्यों करते हो, अभी मीडिया के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आपने बोला, मैंने बोल दिया, खत्म हो गया, अभी उसके लिए अलग डिबेट करेंगे। कमिंग बैक टू द मीडिया पॉइंट व्हिच यू आर ट्राइंग टू मेक और द सोशल मीडिया और द इमेज मेकर, मुझे हमेशा ये कहना है कि अब प्रॉब्लम क्या है हम और आप जैसे सिटीजंस का, हम भी उनसे वो जो सोशल मीडिया पे आते हैं अच्छी रिएक्टिव्स है, तो हम अनजय जाते हैं, हम ललचा जाते हैं, हमको लगता है वाह वाह क्या आदमी, बिकॉज वी ऑल आर लुकिंग फॉर हीरोज। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको हीरो चाहिए कोई भी, और जब ये और हम लोग देखते जैसे कि आठ फिल्म हम देखते, हम नहीं देखते क्योंकि आठ फिल्म वाला हीरो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि वो नाटक नहीं करता है, रियो ट्रिक्स नहीं करता है, हमको ये हीरो पसंद होता है, और उसके कारण बिकॉज ऑफ दिस वी आवरसेल्फ्स आर टू बी ब्लेम्ड। मैं किसी की ब्लेम नहीं करूंगी कि हम खुद ब्लेम कर हो रहे हैं, हम खुद अपने आप को ब्लेम करेंगे जिसके कारण ये सब चल रहा है, इसके कारण ये 500-500 करोड़ जो ऐसी कंपनीज को मिलता है वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी जाके स्टोरियां करते हैं कि सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सपने बेचते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ मैन हर पॉलिटिशियन को पावर चाहिए और पावर के थ्रू मनी आती है और इनको मनी चाहिए। आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ पॉइंट। अगर ये प्रोफेशन है तो इसको लेजिटिमेट कॉन्करेंस मिला हुआ है, अगर ये प्रोफेशन है, एक्टिंग एक प्रोफेशन है, एडवर्टाइजिंग एक प्रोफेशन है और पीआर एक प्रोफेशन है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप नेतागिरी कर रहे हो, आप एक्टिविज्म कर रहे हो, मैं पीआर कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है भैया? तो मैंने कहा क्या दिक्कत, इसी तो मैंने कहा गलती हमारे और आपकी है कि जो अंजय जाते हैं, मैंने कोई गलती सिटीजन गलत है। अच्छा रुझान जी, 65% युवा मतदारों छे भारत देश में, छता पण जो आवी सोशल एक्टिविटीज चालती हो तो आ युवा मतदारों समझी नहीं सके क्या खोटू छे के साथी युवा मतदारों, युवा मतदारों नी मेथी मारी नाखी छे आपणे, ए लोको ढोर प्रजा छे। હું બધા યુવા મતદારોને કહું છું કે પોતાની બુદ્ધિ વાપરો ને યાર, તમે તો ભણેલા ગણેલા છો, આટલી અક્કલ છે, પોતાની બુદ્ધિ વાપરો, તમે પોતે સમજો અને તમે ડિસિઝન લો, વી રિસ્પેક્ટ યોર ડિસિઝન, પણ તમે જેને કે ગાળાગાળી પર ઉતરી જાવ, કોઈ કે ગાળો પડી ગયું ને, અગર સોશિયલ મીડિયા આપણા જેવા યુવા મતદારો યુઝ કરી રહ્યા છે, યુવા યુઝ કરી રહ્યા છે, તો કેટલી ડર્ટીનેસ ચાલી રહી છે, બધા ગંદા જેવા ફોટા, એટલે યુ નો એક હ્યુમિલેટિંગ ફોટાઝ બુક એકબીજાની, બધી સ્ટોરીઝ હ્યુમિલેટિંગ થતી છે। હું ગેરંટી કહું સાહેબ, આ યુવા મતદારો નથી કરતા। હવે હું તમને આજે એ બી કહેવા માંગુ છું, આ જે કરે છે આવી ફોર્મસો કરે છે, આવી કંપની કરે છે, પાંચ લોકોને ને જો જોબ માટે યાર પૈસા માટે, તો ધીઝર ફોર મર્સિનરી આવે, પૈસા માટે આ લોકો કોઈને ભી વેચી કાઢે છે, આપણને ખબર છે ને, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વાળા પૈસા માટે શું શું કયા કયા ખોટા વાયદાને કસમા કરે છે, એટલે આ લોકો એ કરે છે। પણ એટલે હવે જેટલા લોકો જુએ છે, બોલતા નથી, જુએ છે ને ખાલી એ કરે છે, એને મારે આજે રિક્વેસ્ટ કરી છે કે તમે તમારી બુદ્ધિ વાપરો, જે ભગવાને આપી છે શિક્ષણ, જે આપણે લઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ શું સાચું છે ને શું ખોટું છે, ને જે દિવસે આપણે એ સમજી લઈશું એ દિવસે આપણે ભારતમાં ચેન્જ કરી શકશું, ના તો આપણે ભી આવી તો સોશિયલ મીડિયા તમે નું બધા રમતા રહીશું ને આ લોકો બધા કમાતા રહેશે। શોભીજી ઇનકા કહેના હૈ કે જો એડ ગુરુ મતલબ જો એડવર્ટાઇઝ કંપની હૈ વો દે રહી વો મત માનો, જો રિયલ હૈ, જો રિયલ હીરો હૈ ઉસે એક્સેપ્ટ કરો, ઇનકા યે કહેના હૈ, ગલત તો હૈ નહીં। મુજે એક વાત બતાઈએ, અગર હમ એક્ઝામ્પલ લેતે હૈ મોદી જી કા, એક પ્રોસેસ હૈ, केवल केवल बैंडेड लगाने से, बैंडेड ट्रीटमेंट से किसी का इमेज नहीं बन जाता है, उसके लिए एक पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है और ग्राउंड जीरो पे काम करना पड़ता है। ये चीज की शुरुआत 2001 से हुई, उन्होंने अपनी इमेज को संभाला, क्या बुरा है इसमें, उन्होंने अपने इमेज को किसके लिए संभाला, एक मिनट लेट मी कंप्लीट रुझान, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पीआर एजेंसीज का सहारा लिया, किसके लिए लिया, लोगों के लिए लिया। आज गुजरात का इंटरनेशनली गुजरात का जो रैंकिंग है वो आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इट इज काउंटेड अमंग द टॉप 15 स्टेट्स प्लेसेस बिजनेस होराइजन्स इन द वर्ल्ड।
तो क्या इसमें अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? तो मोदी जी को जरूरत थी इसकी, बिल्कुल 100% जरूरत थी। और ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमी का नेचर है कि वो अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव ट्रैक पे ले जाता है, वो तो उनका काम लेकर जाए। वर्क शुड स्पीक नॉट वर्ड्स, उनका काम बोलता है। जब विकास मॉडल गुजरात का लेकर चले पूरे देश में, लेकिन गुजरातियों ने साथ कब दिया? जब उनको चीजें दिखाई दी कि ये चीजें हो रही है, रिवर बेड हो रहा है, रिवर बैंक रिवर बेड प्रोजेक्ट चालू हुआ, फ्लाईओवर्स बने, लोगों ने इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चालू हुए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट चालू हुए, समिट्स हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, इतने कोर सेक्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, निवेश किया, तो गुजरातियों को फायदा हुआ, जमीन के भाव बढ़े। तो आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इसमें क्या बुराई है अगर कोई स्टेट अगर डेवलप होके आता है तो? रुझान जी अभी एड एजेंसियों बतावे छे त्यारे आपने खबर पड़े छे कि गुजरात नो मॉडल शू छे, विकास एमने केवू छे कि अमे जे बतावे छे, अमने भी गपोड़ी बनवानी आदत पड़ी के पीआर वाला ने पेट नहीं, आई डोंट नो फैक्ट्स नो, अमे तमे को गुजरात इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल, ते रा सामे ह्यूमन पेलू इंडेक्स छे, ह्यूमन इंडेक्स ना एचएनआई के जे इंडेक्स छे एमा तो आपणे गुजरात बहु पाछळ छे, लेट्स एक्सेप्ट दैट अल्टीमेटली इन्क्लूसिव ग्रोथ थयो नथी, एमने इंडस्ट्री बताई छे तो इंडस्ट्री मां जोवा जाय इंडिया का स्केल में अपने ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स की वापस बात करती हूँ, मेरा कोई नया मेरे को आदत है गपोड़ी करने की, तो वो आप इंडेक्स देख लेना लेकिन खुद के जेब के पैसे से करो ना, हमारे जनता के पैसे से क्यों करते हो? मेरे को हमेशा बेस्ट की हुआ, बिकॉज़ आई नो बडी टू से कि आप ये नहीं कर सकते हो। 1947 से लेकर जनता के पैसे से मत करो, हमारे हार्ड अर्न मनी से मत करो, ये जो पैसे हमारे दूसरे भाई बहनों के लिए है जिनका हमें उद्धार कर सके, ये पैसे ये नहीं है कि आप पर्सनल इमेज में कवर करो, जनता में नॉट फॉर एनी पॉलिटिशियन, मैं किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पैसे लेट अस एक्सेप्ट कि ये पैसे भी आए कहां से, अगर 500 करोड़ राहुल गांधी के पास है या कहीं से भी आ रहा है, इतनी सारी रैलीज हो रही है, बॉस वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम? Who the hell is giving this money? समझो कोई मजाक नहीं है। अपने जैसी जो इंडिया है, जो अपना देश है, we are rising economy, लेकिन हमारे पास उतने भी पैसे नहीं, ये बताऊं कहां से पैसे आए? अच्छा, मुझे ये पैसे हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी इलीगल बोलो माइनिंग होती है, ये जो सेंडिंग होती है, सबके ये पैसे पॉलिटिशियन वो पैसे खाता है, उससे वो अपने दूसरे को देता है, उससे ब्लैक मनी जनरेट होता है, वो ब्लैक मनी यहाँ पे पुश होता है, और इस तरह पूरी चक्की पान के गल्ले में जो बातें होती है वो जेनेरिक बातें कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल सब जानते हैं, डॉग स्पीक्स इन दिस लैंग्वेज, क्या बात है? यहाँ बहुत सारे यार, दिल्ली में जाओ, राज कर रहे हैं, शो कर देना कि इनका कुत्ता बोलता भी है। Let us not get personal about this thing. इनके कुत्ते को बाद में अपने मिलेंगे। The thing what I want to say कि ये हमें समझना है, हमारे जैसे citizens को समझना है, ये हमारे important कि हमारे 500 करोड़ हमारे जो खुद के मेहनत के पैसे या हमारे देश के पैसे इस तरह मिसयूज हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अनजाए मत जाओ, ऐसे लोगों को वोट ही मत दो। मेरे को ये कहना है कि ऐसे जीरो टॉलरेंस रखो ना ऐसे स्टूपिडिटी पे, आप क्यों उनको जा जाके वोट देते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। छोटी एक बात, मैं एक चीज का थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए, हमारा टोटल जो कम्युनिकेशन पैटर्न था वो पूरा चला गया। मैं आता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जरा आप मंत्री क्या आप एक धारा सभ्य बन के दिखा दो, तो जब पैसा ही नहीं चाहिए तो जब नहीं, मैं आपने बोला इनका कहना है 500 करोड़ जो जा रहे हैं वो आम आदमी के लोगों से जा रहे हैं। 500 करोड़ इज अ मिथिकल फिगर, वी आर नॉट आर यू श्योर अबाउट इट। चलो 500 करोड़ भूल जाओ, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि
80 लाख करोड़ बाहर जमा है, तो आपको लगता है कि पढ़े लिखे होने के बाद में आपको लगता है कि 80 लाख करोड़ बाहर जमा है? चलो मान लो इससे पीछे खर्चा तो होता ही है ना, खर्चा तो होता ही है, इससे पीछे सेवा तो होता है। गेटिंग पर्सनल बिना फंडिंग के पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन कर सकती है, आप मुझे समझाओ। चल ये तो ये जो बात हो रही है, तो फंडिंग अगर तो क्या मैं अपनी जेब से पैसा डालूंगा फंडिंग करने के लिए? हमको फंड जनरेट करना पड़ता है, कहां से लोगों का क्या पाप है? कहां से जनरेट होता है? मैं वापस रिपीट करती हूं, गल्ले वाली बात ही रिपीट करती हूं।